आज अयोध्या विखे श्री राम मंदिर की स्थापना की नींह पत्थर रखने की खुशी विच शाहकोट विखे अलग अलग संस्थावां वालों हमन जप करदे लड्डू वंडदे अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके हर हर महादेव क्लब वालों अते उगे समाज सेवक अमन मल्होत्रा की समुची टीम वालों मलसिया रोड विखे लड्डू वंडे गए अते शाम समय मोमबत्तियां अते दीवे जगा के अपने आस पास नूं रोशनाया गया। आओ देखदे हां शाहकोट तो बंटी अरोड़ा अते मोंटी अरोड़ा की विशेष रिपोर्ट। अज अयोध्या विच राम मंदिर निर्माण का जो नींह पत्थर रख्या गया उस खुशी दे विच शाहकोट हर हर महादेव क्लब वालों खुशी दे विच लड्डू वंडे गए। आओ इन्हां नाल गलबात करते हैं। सब तो पहला अमन मल्होत्रा जी। दोस्तों जिवें कि तुहानू पता कि अज अयोध्या दे विच श्री राम मंदिर जी का शिलान्यास रख्या गया जो कि हिंदू मत की जिहड़ी बहुत देर दी मतलब इन्हां दी एक मंग सी जो कि प्रभु श्री राम जी ने अपनी कृपा नाल पूरी हुई। सो जिवें कि राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। राम एक आस्था का नाम आ, राम मर्यादा का नाम आ, राम कर्तव्य पालन का नाम आ। सो अज प्रभु राम जी दे अयोध्या दे विच मंदिर दी शिलान्यास दे संबंध विच सारे शाहकोट के इलाके खास करके जिहड़ी हर हर महादेव क्लब जिहड़ी तुसी देख रहे हैं इन्हां ने इन्हां दे विच खुशी की लहर आ। ये बच्चे होर भी बहुत धार्मिक प्रोग्राम करवाउंदे रहिंदे आ। मैं परमात्मा अगे प्रभु राम अगे ये बेनती करदा कि इन्हां नूं होर ज़्यादा शक्ति देण तां कि धर्म दे काम और समाज के काम इस तरह करते रहन और पूरे साडे इलाके नूं ही नहीं पंजाब नूं नहीं पूरे समस्त विश्व के जिथे भी राम नाम लिया जाता वो सारी संगत नूं अज दे इतिहासक दिन लई बहुत बहुत वधाई। जय श्री राम। साडे नाल सतीश कुमार जी पप्पा वह भी साडे नाल जुड़े हैं चाहो इन्हां नाल भी गलबात करदे हां। जयकारा श्री रामचंद्र महाराज का। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 160 साल बाद हमें राम मंदिर बनाने के लिए समय मिला है। उसकी सबको हार्दिक बधाई। 1860 से युद्ध चल रहा है, हमारे कई शहीदों ने शहीदियाँ दाई, हमारे भाई कई शहीद हुए, लेकिन आज 160 साल के बाद वो समय आया है। हम बहुत खुश हैं। 1530 में बाबर ने अयोध्या जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी का मंदिर तोड़कर तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद तैयार की थी जो राजा विक्रमादित्य ने 360 में मंदिर बनाए थे, वो आज 1530 में बाबर ने तोड़े। लेकिन आज वो समय आया 2020 में कि वहाँ पर फिर राम मंदिर बनने को तैयार है। हम बहुत खुश हैं। रामचंद्र जी हर कण कण में बसते हैं। जो राम का गुणगान गाता है वो सुख जशोर पाता है। रामचंद्र जी एक राजा भी थे और एक महात्मा भी थे। रामचंद्र जी हर घर में वास करते हैं। जो राम को पाता है वो सुख जश पाता है। जैसे हनुमान जी ने राम के नाम लेके सब कार्य पूर्ण किए और पत्थर भी तारे। जय कारा श्री रामचंद्र जी महाराज। पंजाब दर्पण न्यूज़ ली शाहकोट तो बंटी अरोड़ा अते मोंटी अरोड़ा दी विशेष रिपोर्ट।